इसमें जो कि एक नई कंडीशन आई है कि आप रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए जो एक रजिस्ट्रेशन करना होगा अनिवार्य कर दिया गया है। ये है एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूपी रजिस्ट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं ABSUS UP। इसके होता क्या है कि इसमें जो है स्टूडेंट्स कॉलेज यूनिवर्सिटी इनका सबका रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, चाहे सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का, कोई से BA ग्रेजुएशन का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन। उससे क्या है कि गवर्नमेंट के पास जो है इनका सबका डाटा होगा कि वो आप कभी भी चेक कर सकते हैं उस चीज़ को, कि फ्रॉड या कुछ ऐसी इसमें पाई जाती है। मतलब हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी को इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा और हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, चाहे उसका फर्स्ट या सेकेंड ईयर कोई सा भी सेमेस्टर हो। तो इसमें आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो ये पूरा प्रोसीजर हमें स्टेप बाय स्टेप आपको हमें फॉर्म फिल करके बताएंगे, फाइनल प्रिंट लेने तक आप कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर एक स्टेप आप मिस कर जाते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी प्रोसीजर है इसमें जो है फॉर्म फिल करने के लिए, कि उसमें अगर आप एक एक क्लियरिटी से भी देखोगे तो वो भी आप गलती कर जाओगे। तो इसलिए एक भी स्टेप मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना अंत तक। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, इसे हम यहाँ कर देते हैं क्लोज। और आपको सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको अपना गूगल अपना कोई भी ब्राउजर खोल लेना है, और ब्राउजर को ओपन करने के बाद इसमें आपको गूगल में टाइप करना है ABACUS, ये आपको टाइप कर लेना है और एंटर कर लेना है। तो जो सबसे पहली वेबसाइट आपको आएगी वही आपको ओपन कर लेनी है, न्यू टैब में ओपन कर लेंगे इसको। जैसे ब्राउजर न्यू वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको आप क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे डिटेल्स दी गई है यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे इस तरह का इस वेबसाइट का जो है इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे ABA, यहाँ पे बैंक अकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ये नाम दिया गया। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी दी गई है, यूनिवर्सिटी अगर आप यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप एक कॉलेज है कॉलेज रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसके लिए आपको कॉलेज को यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर फैकल्टी मतलब जो ग्रेजुएशन जो फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन इसमें करना होगा, कौन कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसमें कौन सी फैकल्टी है, उसके बाद आता है फिर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना होगा। आज यहाँ पे टोटल ब्यौरा भी दिया गया है कि अब तक कितना रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं, यानी 29 सितंबर तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, टोटल यूनिवर्सिटी जो की है 49 यूनिवर्सिटी जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है यूपी के अंदर में, ये सिर्फ यूपी के लिए फिलहाल अभी। उसके बाद कॉलेज अगर देखें तो 3,258 कॉलेजों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है अभी तक, और जो टोटल फैकल्टी है फैकल्टी में 21,964, और बात करते हैं अगर स्टूडेंट्स की तो इसमें 1,13,857 स्टूडेंट्स अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अगर हम इसमें बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या जरूरत होगी, तो डॉक्यूमेंट में इसमें सबसे पहले आपको जो अपने 10th 12th की आपको मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, उसके बाद यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक की किताब, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको मतलब कहने के लिए 10वीं से प्लस आपकी जितनी मार्कशीट है सब टोटल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने BA या BSc अगर ग्रेजुएशन आपने कर ली तो आपके टोटल ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट इसमें आपके लगने वाले हैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए। तो करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स पर कर लेंगे क्लिक। तो जैसे ही आप स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें आपको लॉग इन का यहाँ पे इंटरफेस आपको दिखाई देगा, लेकिन हमें लॉग इन नहीं करना है, हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखें आपको ऊपर तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको कर लेना है क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर और उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी डालने के लिए यहाँ बोला जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसको यहाँ पे आपको जनरेट OTP पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे देखें OTP सेंड योर मोबाइल नंबर टू दिस एंड मेल आईडी। और पहले इसमें एक कंडीशन में आपको बता दें, इसमें जो OTP आपको भेजा जाएगा मेल आईडी पे है और फोन पर दोनों का सेम ही रहेगा, आप कोई सा भी डाल दीजिए, कोई सा भी आप OTP यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और जो OTP आपको सेंड किया है वो आपको 2 टाइम यहाँ पे फिल करना होगा, एक बार फोन के लिए और एक बार मेल आईडी के लिए। तो हम यहाँ पे OTP अपने फिल कर दिया है, हम कैप्चा कोड फिल कर लेंगे। और यहाँ करते हैं वैलिडेट OTP पर।
फिर देखे, फिर अगेन यहाँ पे मांगा जाए, क्योंकि ये दो बार एंटर करना होगा, एक बार फोन के लिए और एक बार मेल आईडी के लिए। ओटीपी दोनों का सेम ही रहेगा मेल आईडी पे। अगर आप मेल आईडी पे नहीं भी जा रहा है तो कोई इशू नहीं, जो मोबाइल नंबर में है वही आप फिल कर दीजिए, क्योंकि दोनों का सेम ओटीपी रहेगा। देखिए हमारा मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब हमें जो है यहाँ पे फॉर्म, उसके बाद जो है अपना जो जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है सिटीज है उसका यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पे बरेली चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज नहीं करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट का उसका नाम चूज करना है जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे जो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, हम यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं MJPRU। उसके बाद जो है आपको अपना कॉलेज का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे अपना बोर्ड, ये जो आपके बोर्ड जो है आपके 10th के लिए आपको यहाँ से पूछा जा रहा है, तो आपको अपना 10th का जो बोर्ड है वो यहाँ पे आपको चूज करना होगा। तो ये देखें यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इलाहाबाद, ये आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो है अपना रोल नंबर आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पासिंग ईयर अपना जो है यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जो अपना नाम फिल कर लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट फादर नेम फिल कर देना है। यहाँ पर मेल आईडी मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी फिल यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो भी आपकी TOB है, TOB आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है। यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, एक यूनिक पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। उसको यहाँ पे कर देंगे सबमिट पर क्लिक। तो यहाँ पे देखें आपका मैसेज यहाँ पे आया हुआ है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यहाँ पे कर देंगे ओके। यहाँ पे देखें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। क्या करना है आपको, यहाँ पे देख आपका प्रिंट, अब यहाँ रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे जो है प्रिंट आ चुका है। इसको आप प्रिंट अपने इन फ्यूचर के लिए रख सकते हैं लॉगिन के लिए। हम एक न्यू टैब अगेन से ओपन कर लेंगे यहाँ से। आपको उसका रजिस्ट्रेशन का मैसेज जो है आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर गया, आपको आप लॉगिन करना है। अपना लॉगिन कर लिया, आप यहाँ फिर अगेन से यहाँ पे स्टूडेंट्स पर आएंगे और आपके यहाँ पे सामने जो है लॉगिन का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे यूजर टाइप, यहाँ पे जो कॉलेज है आपका वो मतलब गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या संस्था से है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा कॉलेज गवर्नमेंट है, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो देखें दोस्तों, यहाँ से लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको देखेंगे आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, इसमें जो आपको अपनी प्रोफाइल जो कंप्लीट करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल है, फिर स्टूडेंट की करंट प्रोफाइल्स है, फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल, ये चीज़ आपको फिल करने के बाद आपको फाइनल लॉग करना होगा।
चलो जल्दी फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट प्रोफाइल पे हम कर लेते हैं इसका क्लिक, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहले आपको प्रोग्राम क्लास डिग्री, ये आपको अपनी जो डिग्री है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आप कर रहे हैं। हम यहाँ पे बीए सेलेक्ट कर रहे हैं, बीएससी जो भी कर रहे हैं आप, या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हम यहाँ पे बीएससी सेलेक्ट कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ये एक डेमो वीडियो है, इसमें हम डेमो डिटेल यहाँ पे फिल कर रहे हैं, डेमो आधार नंबर है ये। उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पे आप उसकी जो भी सब कैटेगरी है वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। अगर आप ये हैं तो आप इस अदरवाइज से छोड़ भी सकते हैं। रीजन में आपका जो भी रीजन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी है तो यस, अगर माइनॉरिटी अगर से कर देंगे नो, अगर नहीं है तो। यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, अगर फिजिकल हैंडीकैप तो उसका टिक मार्क कर देंगे, अगर नहीं तो इसके यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे सेव नेक्स्ट पर क्लिक। ओके कर देंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये अब यहाँ पे इसमें देखें फर्स्ट स्टेप में जो हमारे चार चरण में ये कंप्लीट होना है। उसके बाद सेकेंड, अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो है फादर की आपको जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। नेक्स्ट आ जाएगा फादर की एक्विजिशन क्या है, यहाँ पे वो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, तो यहाँ पे मदर के ऑक्यूपेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फादर गार्जियंस का मोबाइल नंबर, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट रिक्वायर स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स वो रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप की तो यहाँ पे यस कर देंगे। इनकम सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे इसे कर देंगे सेव नेक्स्ट पर क्लिक। देखिए हमारी डेट हमारे सक्सेसफुली हमारी हो चुकी है डिटेल्स यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है एड्रेस का, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे आपका जो भी विलेज है वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। नेक्स्ट अगर दोनों एड्रेस अगर सेम है परमानेंट और कम्युनिकेशन तो इस पर टिक मार्क कर देंगे, वैसे सेव नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक।